गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस बर्च रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है बर्च रिडक्शन। इस बर्च रिडक्शन में होता क्या है, इसको जरा ध्यान से देखें। सिंपल, अगर मैंने मान लीजिए बेंजीन लिया हुआ है, दिस इज बेंजीन, और मैं इसके नंबरिंग कर देता हूँ, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो बेंजीन है ये बर्च रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है 1,4-dihydrocyclohexadiene 1,4-dihydrocyclohexadiene में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं लिथियम, और वी कैन यूज सोडियम, और वी कैन यूज पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के साथ में लिथियम या सोडियम या पोटेशियम जब रिएक्शन करता है तो बर्च रिडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो 1,4-dihydrocyclohexadiene, देखिए 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइईन हो गया, और ये जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन है तो इसलिए साइक्लोहेक्साडाइईन। यानी कि बर्च रिडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजिनेशन होता है, क्लियर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे नेफ्थलीन ले लें, सपोज आई हैव टेकन नेफ्थलीन। आपको तो मालूम है अगर हम दो बेंजीन रिंग को जोड़ दें तो इसको नेफ्थलीन कहते हैं। फिर से अगर हम काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, तो नेफ्थलीन में भी यही होगा, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, रिएजेंट यही होगा लिथियम या सोडियम या पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 और 4 पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट नेफ्थलीन डाईहाइड्रो नेफ्थलीन, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट 1,4-dihydronephthalene, क्लियर। तो ये रिएक्शन होती है बर्च रिडक्शन में। सो नाउ व्हाट इज बर्च रिडक्शन, व्हेन एरोमेटिक रिंग्स आर रिड्यूस्ड विद सोडियम पोटेशियम लिथियम, इसमें से कोई एक ले सकते हैं, चाहे सोडियम ले लें या पोटेशियम ले लें या लिथियम ले लें, इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एट पोजीशन वन एंड फोर टू गिव एन अनकंजुगेटेड डाईन। देखिए अगर मैंने एरोमेटिक रिंग ली और ये रिंग मैं ले रहा हूँ बेंजीन, तो मैंने बताया था ये 1, 2, 3, 4, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिथियम या हम लोग ले सकते हैं सोडियम या पोटेशियम, इनमें से कोई एक इन लिक्विड अमोनिया विद अल्कोहल, तो 1 नंबर पर और 4 नंबर पर हाइड्रोजन ऐड होगा एंड यू विल गेट अनकंजुगेटेड डाईन, ये 1,4-dihydrocyclohexadiene 1,4-dihydrocyclohexadiene ये हमें मिलेगा। अब देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब होता है कि जब अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड होता है, और जब ये पैटर्न नहीं होता तो उसको हम अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं। तो हमें यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड एल्केन बनती है। आप देखें यहाँ पे अल्टरनेट सीक्वेंस में सिंगल डबल नहीं है, डबल सिंगल सिंगल, तो ये सीक्वेंस बिगड़ गया। तो ये जो हमें डाईन मिल रही है दिस इज अनकॉन्जुगेटेड डाईन। सेम अगर हम यहाँ पे नेफ्थलीन लें, दिस इज नेफ्थलीन, नेफ्थलीन,
तो इसमें भी यही होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम, इन तीनों में से एक, इन लिक्विड अमोनिया, इन एथाइल अल्कोहल, यू विल गेट 1,4-dihydronephthalene। दिस इज 1,4-dihydronephthalene। क्लियर? तो ये रिएक्शन है बर्च रिडक्शन की। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग मैकेनिज्म। नाउ मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैकेनिज्म बहुत आसान मैकेनिज्म है, बहुत ध्यान से देखें। अगर ये मैंने लिया हुआ बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन रिंग, और ये इसके अल्टरनेट बॉन्ड है, नाउ इट इज कॉन्जुगेटेड डाइन, और यहाँ पर आपको जानते हैं कि एक हाइड्रोजन है, और हमने यहाँ पे जो मेटल ली हुई है सोडियम ली हुई है। आपको मालूम है सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Na प्लस बनाएगा और पास एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करता है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर होमोलिटिक फिशन होता है, इस बॉन्ड पे होमोलिटिक फिशन होगा। आपको मालूम है कि एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर होमोलिटिक फिशन करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा एंड यू विल गेट दिस। बहुत ध्यान से देखें, बहुत इजी मैकेनिज्म है ये। ये हाइड्रोजन पहले से था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब क्या होना है, ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँच कर जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये दोनों मिलके बना लिया इन दोनों ने नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मारेगा, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। जब ये रिपल्शन होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले को प्रमोट करेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। देन अगेन यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये दोनों मिलके जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो देखिए ये सिचुएशन बनेगी। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे था और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है, और यहाँ पर ये डॉट था और एक डॉट यहाँ पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और मैं यहाँ का हाइड्रोजन भी दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है विद वन डॉट। क्लियर? अब ये दोनों मिलके एक यहाँ बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, इसका वाला डॉट और इसका वाला डॉट दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर यू विल गेट अमोनिया, लिक्विड अमोनिया आपने यूज़ किया हुआ है, यहाँ से आपको लिक्विड अमोनिया से इन एथाइल अल्कोहल, यहाँ से यू विल गेट एच प्लस। ये जो एच प्लस है ये इस जगह जाके जुड़ जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड। यहाँ पे पहले से बॉन्ड था तो इसको हम लोग बनाएंगे, यू विल गेट दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और इस पर क्लोन पेयर। फिर नाइट सोडियम वही काम करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो दोनों मिलके बनाएंगे माइनस, और जैसे ही ये माइनस बनेगा देखिए ये माइनस बन गया, दोनों मिलके माइनस बना दिया। जैसे ही ये माइनस बना फिर से लिक्विड अमोनिया एच प्लस देगा और ये एच प्लस इस पर जाकर अटैक करेगा एंड यू विल गेट dihydrocyclohexadiene। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बर्च
रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन, बहुत आसान मैकेनिज्म, एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na प्लस बनाता है और E बनाता है, यही E जाकर यहाँ पे होमोलिटिक फिशन कराता है जिससे इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज दूसरे इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन इम्पोज करता है जिसके कारण से देखिए 1,2 डाईहाइड्रो नहीं बनता है, ये 1,4 डाईहाइड्रो बन रहा है, दिस इज 1 एंड 4, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 1,4 डाईहाइड्रो। 1,4 डाईहाइड्रो इसलिए बन रहा है क्योंकि 1,2 क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस माइनस चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगता है, जबकि 1 और 4 में ये दोनों अपोजिट हैं, रिपल्शन मिनिमम है, इसलिए 1,4 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, क्लियर। फिर यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगा तो ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट यहाँ था, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, फिर H प्लस लिक्विड अमोनिया से जाके यहाँ जुड़ जाएगा, देन फिर से इस पर जो एक डॉट था ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर लिक्विड अमोनिया से हाइड्रोजन आ जाएगा, लिक्विड अमोनिया विद इथाइल अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया विद इथाइल अल्कोहल, क्लियर। नाउ सिंथेटिक एप्लीकेशन हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं इसके बाद। नाउ आई एम स्टार्टिंग सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ बर्च रिडक्शन। देखिए जरा सिंथेटिक एप्लीकेशन में पहला सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि इससे हम लोग ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं। अगर कोई एल्काइन है, दिस इज एल्काइन, और इस पर बर्च रिडक्शन किया जाए तो इसमें एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर से आएगा, तो देखिए एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, और यू विल गेट ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है और एल्काइन से रिएक्शन होती तो यू विल गेट ट्रांस एल्कीन। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लें, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब कि अगर ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर आपने कोई EWG ग्रुप लगा सकते हैं या आप यहाँ पे कोई ERG ग्रुप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आप EWG लगाते हैं, लाइक ये COOH जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर आप यही रिएक्शन करते हैं, लिथियम लिक्विड अमोनिया C2H5OH, तो सिंपल जैसे था वैसे ही रहेगा, हाइड्रोजनेशन 1,4 ही होगा, और EWG ग्रुप जो होगा ये सैचुरेटेड कार्बन पे होगा। लेकिन अगर यही ERG ग्रुप के साथ में आप करते हैं, जैसे कि ये OME जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये देखिए यहाँ से ये दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो OME है दिस विल रिमेन्स ऑन अनसेचुरेटेड कार्बन, ये अनसेचुरेटेड कार्बन पे रहेगा, क्लियर। तो ये आपका बर्च रिडक्शन कंप्लीट हो गया, थैंक यू।